नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओडिशा के उत्तरी हिस्से में स्थित केंदुझार जिला कभी एक विशाल रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इसका इतिहास और भूगोल बेहद समृद्ध हैं। यहाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान भी देखी जा सकती है। इस जिले की और भी कई बातें देश विदेश में प्रचलित हैं, जिससे जुड़ी और भी खास बातों को जानने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, केंदुझार के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि देश की आजादी से पहले ये इलाका एक बड़ी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ भांजा राजवंश के राजाओं का शासन था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत गणराज्य में मिला दिया गया था। मौजूदा समय में ये जिला ओडिशा के पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में से एक है। इसकी सीमाएं मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाल, अनुगुल, सुंदरगढ़ और सिंहभूम जिले से लगती हैं। इस जिले की डेमोग्राफी को देखें तो केंदुझार कुल 8,303 प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की मौजूदा अनुमानित जनसंख्या करीब 20,21,725 है। इस जिले में कुल 68.24% लोग साक्षर हैं, तो वहीं यहाँ का लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 988 महिलाओं का है। आबादी के लिहाज से ये एक हिंदू बहुल इलाका है, जहाँ करीब 97% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ कुल 13 तहसीलें, 3 उपमंडल, 287 ग्राम पंचायतें और 2,135 गांव हैं। यहाँ ज्यादातर स्थानीय स्तर पर उड़िया और संथाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में भी आधिकारिक काम होते हैं। केंदुझार की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खनन और कृषि पर निर्भर है। ये जिला खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें लौह अयस्क प्रमुख खनिज है। जिले में खनन किए गए अन्य खनिजों में मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट और बॉक्साइट शामिल हैं। खनन क्षेत्र जिले में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। केंदुझार में कृषि भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें प्रमुख फसलें धान, मक्का और दालें हैं। ये जिला अपनी जैविक खेती पद्धतियों के लिए जाना जाता है और विभिन्न प्रकार की जैविक सब्जियों और फलों का उत्पादन करता है। ये जिला कई नदियों का घर है, जिनमें बैतरणी भी शामिल है, जो केंदुझार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बहती है। इसके अलावा ब्रह्मणी, जो उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो इस जिले से होकर बहती है और क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। केंदुझार अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। ये जिला संथाल, जुआंग और कोंध सहित कई जनजातियों का घर है। केंदुझार अपने खूबसूरत झरनों और जंगलों के लिए जाना जाता है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो केंदुझार में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कई सुंदर और आकर्षक स्थान हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आप यहां सालंदी नदी पर बना हदगढ़ बांध देख सकते हैं, जो मगरमच्छों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में देखने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप यहां हदगढ़ अभयारण्य, घने जंगलों से घिरी बौला पहाड़ी, खंडधार झरना और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस जिले में कई धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें कुलेश्वर मंदिर और गोनासिका ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर हैं, जहां लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी इस जिले को और करीब से जानने के लिए यहां आना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इस जिले तक हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्गों से पहुंचा जा सकता है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो इस जिले से लगभग 198 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर आप रेल मार्ग से सफर कर रहे हैं,
तो हावड़ा चेन्नई रूट पर स्थित जाजपुर केंदुझार रेलवे स्टेशन यहाँ का करीबी रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन केंदुझार को देश और राज्य के अनेक हिस्सों से जोड़ता है। वहीं सड़क मार्ग के जरिए यहाँ आने वालों के लिए NH-20 और NH-49 हाईवे हैं, जो इस जिले को उड़ीसा और अन्य राज्यों के शहरों से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।